सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सुबह 11 बजे की प्रार्थना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि वो अद्भुत जगह पे ले जाते हैं मेरे अजीजों से। सुबह आपके चिंता के बारे में, आपके परेशानी के बारे में परमेश्वर ने कुछ बताया। और जब चिंता परेशानी होती है तो लाइफ में मन नहीं लगता है, मन कच्चा हो जाता है, मन घबराहट होती है और हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और यही कारण है कि काफ़ी चीज़ें हमसे छूट जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जिसके साथ चल रहे हैं कहीं वो हमें धोखा ना दे दे, जो हमारा लाइफ पार्टनर है या जो हमारा बिजनेस पार्टनर है कहीं हमें छोड़ कर ना चले जाए या ये बीमारी उससे निकल ना रहे। ऐसी कई चीज़ें हमें बहुत सी सुबह सुबह दिक्कत देती है, परेशानी करती है। एक खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज का वचन दिया है और वचन में जाएंगे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपके उठते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन कहता है व्यवस्था वरण 31 उसका 8 में लिखा है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। याद रखना, आपके आगे चलने वाला परमेश्वर है। क्यों चलता हुआ आगे? ताकि आपको सही मार्ग बता सके, आपको अच्छे मार्ग में ले जाए, आपके आगे ठोकर ना लगे। इसलिए कहता है तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग भी रहेगा, ताकि आपको बता सके हर मोमेंट के बारे में, हर शैतान की प्लानिंग के बारे में। परमेश्वर कितना महान है, आगे पीछे से घेर के चलता है। फिर लिखा है ना तुझे धोखा देगा। आज बहुत लोग धोखा देते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो धोखे देने वाला नहीं है। और ना तुझे छोड़ देगा। आज बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं लेकिन वो कहता है कि तुझे छोड़ेगा नहीं। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप हो अभी, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, लोग आपको कुछ नहीं समझ पा रहे, लोग आपके साथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपको बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी जब लोग आपको गुनहगार कह रहे हैं, आप ही गलत तो बोल रहे हैं, परमेश्वर कहता है नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे बेटा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे बेटी। इसलिए मत डर। अब आप इस कंडीशन से डरे हुए हो, आप इस कंडीशन से डरे हुए हो, इसलिए प्रभु कह रहा है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आज खुदा का पैगाम सुबह सुबह आपके लिए है। अगर आज किसी बात से डरे हुए हो, कोई आपको छोड़ के जाने वाला है, कोई आपकी प्रॉपर्टी लॉस हो रही है या आपकी जॉब जा रही है, मेरा परमेश्वर कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं सब तुझे दे दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। अगर इस बात पर विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी, तेरा दास होने के नाते जो सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में आज का वचन बहुत कुछ लेकर आया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के द्वारा तूने इनसे बातें करी है, मैं विश्वास से डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात करी है, मुझे विश्वास है। जय मसीह।